जवाब क्या होगा? सुबह करें कि ज्यादा नुकसान ना। आग लगी है तो कम पे तो नहीं टलेगी ना। आपने भाई को बताया? हाँ, मैंने उसे कॉल किया था, वो वहीं फैक्ट्री गया है। तुम परेशान हो रही? जाहिर सी बात है मॉम, परेशानी वाली बात है। तो क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया? दिल का तो पता नहीं मॉम, लेकिन जब वो लोग परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान होती हूँ। मैं इस तरह उनसे लाताल्लुक तो नहीं हो सकती। और वकार? शौहर हैं वो मेरे। अबरार? हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि खुदा ना खास्ता कल कला को वकार ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तकलीफ से गुजरोगी। तकलीफ से तो गुजर रही हूँ मैं। उस घर में एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने दिल से चाहा, और एक ऐसा इंसान है जिसकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं। इस तकलीफ को ना मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है और ना ही कोई सह सकता है। आफरीन, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। शॉपिंग पर गई थी, इतना कॉल करती हो ना, इसलिए मैंने फोन ही ऑफ कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है हम पे क्या कयामत गुजरी है? क्या हुआ? आफरीन, फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जल गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या? वकार कहाँ है? कार भाई वहीं पर है। मैं फोन मिलाती हूँ। कोई फायदा नहीं है कॉल करने का, कोई भी वहां पे फोन नहीं उठा रहा, तीनों के तीनों वहीं पर है। क्या होगा मानो? कैसी क्यामत टूटी है उन लोगों पर। पकार को देखा था आपने? बेचारा ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, कैसे भुखलाया हुआ था बच्चा। परेशानी भी तो बहुत बड़ी है। सफिया बहन ने बहुत हिम्मत की और सबको हिम्मत दिला रही थी। पता नहीं किस हासिद की नजर लगी है हंसते बसते घर को, सब जलकर खाक हो गया। ऐसा मत कहो शाजिया, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। कभी वो दे के आजमाता है और कभी वो ले के परखता है। बस दुआ करो इस बुरी घड़ी में उनकी हिम्मत ना टूटे। आफरीन नजर नहीं आई मुझे। अपने कमरे में थी वो, मुझसे भी कोई खास बात नहीं की उसने। मेहमानों को भी मानो और नेहा ही देख रहे थे, और वो रानियां वो संभाल रही थी मेहमानों। उस लड़की को तुम कितना बुरा समझती थी, और देखो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और आफरीन, उसका दूर दूर कोई पता नहीं था। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अल्लाह के लिए।